ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। माफ कीजिए दोस्तों, अब नहीं। तो यार कल के ब्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत लंबे टाइम बाद किसी पिकनिक का प्लान किया है और गर्मी दबा के पड़ रही है। पता नहीं देहरादून के मौसम को क्या हो गया कि इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है। तो एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है जिसे मैं आपको कल रिवील करूँगा। तो ये कुछ स्टफ़ है जो मैंने कैरी किया है, इसमें कुछ मैगी है एंड ये बिस्किट है, सो दैट एनर्जी आ सके, बिस्किट है सो दैट एनर्जी आ सके, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे शॉप होगी या नहीं होगी। इसलिए बेटर यही है कि आप लोग भी जब किसी पिकनिक लोकेशन पे जाए तो अपने कुछ खाने का फूड आइटम है वो कैरी करके चले एंड मेक श्योर कि वाटर बोतल तो बिल्कुल ना भूलें। तो इंतजार कर रहा हूँ कल का बड़ी बेसब्री से। चलिए लेके चलता हूँ आपको हमारी पिकनिक लोकेशन पे, लेट्स गो। तो हम लोग पहुँच गए हैं मीटिंग पॉइंट में और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह है रायपुर चौक। पीछे सामने सीधा रास्ता मालदेवता जाता है और अगर आप इधर को जाएंगे तो आप जोलीग्राम के लिए चलेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के ट्रिप के लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद सीखने का प्लान बन रहा है और हर बार की तरह इस बार भी बीती है। मेरे साथ गुरमेश है और कपिल भाई है। ये भाई हमारे साथ नया आए हैं तो इसी से पूछते हैं कि एक्साइटेड है या नहीं है। तो भाई एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मज़े करने के लिए। तो मज़े करने के लिए तो भाई एक्साइटेड है। और जो लोकेशन है वो लोकेशन मैं आपको पहुंच के रिवील करूंगा, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ यार थोड़ा डाउट भी है। डाउट इसलिए है क्योंकि लोकेशन हमें से किसी को पता नहीं है, क्यों किसी को पता नहीं है। तो डाउट इस बात का है कि कहीं ऐसे ही ना वापस आना पड़ जाए। तो खैर जो भी हो, एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन है और ऐसी जगह जाने का फ़ायदा ये होता है कि एक्साइटमेंट रहती है कि पता नहीं अगले पल क्या दिखने वाला है। तो बिना देर किए चलते हैं, लेट्स गो। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है रायपुर से और चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मालदेवता फार्म की तरफ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है और गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। अगर आप यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो ये रास्ता चले जाएगा सीधा जोलीग्रांट की ओर, लेकिन हमें जाना है बिल्कुल सीधा अपनी आज की हिडन लोकेशन की ओर। तो बिना देर किए चलते हैं फटाफट हिडन लोकेशन पे और देखते हैं हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है। तो अभी सवेरे के 8 बज रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिलने नहीं वाला, हमें बिल्कुल शांति मिलेगी। लेकिन पीछे जैसे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। खैर हमारी लोकेशन ये नहीं है, हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। लेकिन गर्मी का आलम इस कदर है कि संडे का दिन है तो बस भैया आदमी एक ही चीज़ ढूंढता है और वो क्या है वो जिससे सर्दी में दूर जाता है, सुकून और पानी। तो हम भी फटाफट पहुंचते हैं अपनी लोकेशन में और कोशिश करेंगे कि रास्ते में जितनी हो सके ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर करें। तो चलो निकलते हैं। तो चलते हुए इन रास्तों में और पूछते हुए अपनी मंजिल का ठिकाना, हम बढ़ चले अपनी आज की मंजिल के कुछ और करीब और पहुंचे जाके यहाँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं और जो लोकेशन है वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है और पीछे ये दुकान बनी हुई है आप लोग देख सकते हैं। और हल्का फुल्का आप लोगों को यहाँ पे खाने को मिल जाएगा, जैसे समोसे मैगी। और जो आसपास का व्यू है यार वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बगल में बिल्कुल नदी सी बह रही है और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि एडवेंचरस हो गया ये ट्रिप, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये जगह नहीं देख रखी। और अनजान रास्तों में चलने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। जिस रास्ते में सफ़र का पता ना हो, मंजिल का पता ना हो कि ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, उन रास्तों में भी चलने का अपना ही मज़ा आता है। और यही तो ज़िंदगी है जहाँ पे हमें सफ़र तो पता है कि हमें चलते जाना है लेकिन मंजिल कब जाके मिलेगी ये पता नहीं है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिलहाल कुछ खाते हैं यहाँ से और फटाफट फिर तो सुबह से चल रहे हैं और बहुत भूख लग गई है और सामने जो दुकान है यहाँ पे चलते हैं फटाफट और कुछ खाते हैं। इस दुकान पे आपको मैगी बिस्किट नूडल्स हर चीज मिल जाएगी। यहाँ के समोसे बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इस दुकान पे समोसे जरूर खाइएगा। फिलहाल खाते हैं फटाफट यहाँ पे समोसा, इंजॉय करते हैं आसपास के व्यू को और फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। Oh, 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 oh,
कहाँ रह गए थे? क्या धोखा मैं लेने आ रहा था साले? ये अब्दुल 5 किलोमीटर से चल रहे हैं हम। 5 किलोमीटर से पेट्रोल खत्म करवा के आ गया। हाँ भाई पेट्रोल खत्म हो गया। साले घर से भरवा लिया करो पेट्रोल। भाई भरवाया था 4 लीटर पेट्रोल। हाँ 4 लीटर। ये 100-100 रुपए बचाने वाले लोग हैं। ये देखो ये 100-100 रुपए बचाने वाले लोग हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और अब पेट्रोल हो गया खत्म तो 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये देख इसका चेहरा देख, ये लौंडे का चेहरा देखो थकान से। माफ कीजिए दोस्तों, अब नहीं। ये भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। तो 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद दोनों की हालत हो चुकी बहुत ज्यादा खस्ता। तो फटाफट 10 मिनट के डिस्कशन के बाद और थोड़ी सी पेट पूजा के बाद हम लोग पहुंचे हैं जिस जगह पे, वो है यहाँ। तो चलते चलते ये कहाँ आ गए हम? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ, लेकिन आज के ब्लॉग की सच्चाई यही है। हम निकले थे किसी दूसरी लोकेशन के लिए, हम निकले थे एक बहुत ही प्यारे वाटरफॉल के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो लोकेशन हम में से किसी को भी नहीं पता थी, और रिजल्ट ये हुआ कि जाना था कहीं और आ गए हम यहाँ। तो हम लोग आ गए हैं सल्फर पूल पे। सल्फर पूल जो ये लोकेशन है, ये इसको मैं फेमस टूरिस्ट प्लेस तो नहीं बोलूँगा, पर एक प्यारा सा छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। और अभी रिसेंटली ये प्लेस रिवील हुई है। हुआ ये कि हम लोग घर से निकले थे तापुसेरा वाटरफॉल में, और हम भी किसी का ब्लॉग देख के निकले थे। लेकिन मैं जो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं उन भाइयों को एक बात बोलूँगा कि यार या तो रास्ता पूरा बताया करो या तो फिर बिल्कुल मत बताया करो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जैसे कि हम निकले थे कहीं और रास्ता में पता नहीं था और हम यहाँ पहुँच गए। और ये जो लोकेशन है ये भी बहुत प्यारी है, और इसे सल्फर पूल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे गंधक का पानी है। और जैसा आप देख रहे हैं अभी सवेरे के 10 बजे हैं और बिल्कुल भीड़ ही भीड़ हो रखी है यहाँ पे, और जो लोग हैं वो सवेरे 6 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पहुँच गए हैं तो इस लोकेशन को भी इंजॉय करते हैं, और वर्थ इट है। बट हाँ, रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि 2-व्हीलर में आएँ, 4-व्हीलर को लाने की यहाँ कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आ तो जाए पर वापस ना जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का ब्लॉग है सल्फर पूल में। बात करेंगे और पूछते हैं जरा कैसे लगे। तो भाई लोग कैसी है ये जगह? बहुत बढ़िया बढ़िया है, बट रास्ता थोड़ा कठिन है, पर अगर आप कठिन रास्ते में आओगे तभी अच्छी जगह मिलेगी। बट बलिनों में भी लोग आ रहे थे, बलिनों में आना जो रास्ता है पूरा रास्ता वर्थ इट है। आप पूरे थक जाओगे रास्ते में आके, लेकिन पूरी थकान मिटा देगा, क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। और भाई ने ठीक कहा कि कठिन रास्तों में जब चलते हैं उसके बाद ही तो मंजिल का मजा आता है, क्योंकि कहता हूँ ना जैसे मैं कि जो सफर का मजा है ठीक है, वो मंजिल का इतना मज़ा नहीं है लेकिन सफ़र का ज़्यादा मज़ा आता है। और कठिन रास्तों में चल के जब हम इस पूल पे पहुँचते हैं तो ठंडक आती है शरीर में, मज़ा आ जाता है। बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी आएगा गंदगी मत फैलाना। हाँ यार, हाँ ये बहुत सही बात बोली भाई ने। हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो कूड़ा करकट है यहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो प्लीज़ यार जैसे अपना सामान लेके आए हो ना वैसे सामान वापस लेके जाओ। चलो ओके बाय। तो इस जगह को छोड़ के जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और पूल में नहा के सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि अगला पल इंतज़ार कर रहा है हमारा कुछ इससे भी अच्छी यादों के साथ।